होगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट, तय फॉर्मेट में पूछा पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ। मोदी ने कर्नाटक के लोगों से वोट की अपील की, वीडियो संदेश में कहा राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज में नंबर वन बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी बोले हर कन्नड़ का सपना मेरा सपना, विकसित देश के संकल्प को नेतृत्व देगा कर्नाटक। संघ पदाधिकारी ने मीडिया को दी नसीहत, कहा बिना पक्ष लिए सच को सामने रखे हम फेक न्यूज के सबसे बड़े शिकार। कर्नाटक में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें, ईसी ने कर्नाटक की प्रभुता से जुड़ी पोस्ट पर खड़गे से मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आ रहे हैं, जहां वे दक्षिण क्षेत्र के उस्मानपुर स्थित कमर्शियल ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वह मंच से 5 निकाय क्षेत्रों को साधेंगे। जनसभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कानपुर में 11 मई को होगा। वहीं इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसंपर्क और रोड शो करेंगे। वहीं रोड शो की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर में नगर निकाय चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रही समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकने का प्रयास किया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव कानपुर आकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करेंगे। हिंदू नववर्ष के तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है, ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को पावन पुत्र हनुमान जी का विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना होती है। धार्मिक शास्त्रों में इस महीने का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। बता दें, इस मौके पर जगह जगह भंडारे का आयोजन होता है और हनुमान जी की पूजा की जाती है। बदायूं पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी नगर पालिका परिषद दातागंज में भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। आने वाली 11 तारीख को कमल के निशान के सामने मुहर लगाकर भारी मतों से नीना गुप्ता को विजयी बनाने की अपील की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा चरण में बदायूं जनपद में 11 मई को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही हैं। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। दातागंज और बदायूं जनपद की सभी नगर पालिका नगर पंचायत में भी भाजपा की आंधी है, लहर है, और मैंने सबसे अपील भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी, सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है, कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। मौर्य जी का एक स्टेटमेंट दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये कहा है अहमद की जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे, उसको लेके क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीलीभीत विसलपुर में डिप्टी सीएम ने रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विसलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया। वहीं लोगों को सुविधाओं के बारे में बताया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए भाजपा के समर्थन में वोट मांगे। कोई डराता है क्या? नौजवानों की उज्जवल भविष्य के मार्ग में ये बाधा डाल सकते हैं क्या? मैं यही कहने के लिए आप लोगों से आया हूँ, ये आईसीयू में पड़े हुए हैं, जो थोड़ा बहुत इनको ऑक्सीजन मिल गया था वो ऑक्सीजन नगर निकाय के चुनाव में समाप्त कर दीजिए, क्योंकि 2023 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। मेरे भाई बहनों, आप में से कोई ऐसा है क्या जो माननीय नरेंद्र मोदी को फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता? कोई है क्या?
और जो बनाना चाहते हैं वो लोग जरा हाथ उठाकर बताओ। इसीलिए मैंने कहा है कि आप सब माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते। गाजियाबाद के लोनी में चुनाव को लेकर AIMIM पार्टी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा पार्टी के प्रत्याशी को कोई बैठाने को तैयार नहीं है। बसपा पार्टी के प्रत्याशी जगह जगह रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली ने बताया कि विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 2023 में हम लोनी नगर पालिका और अपना परचम लहराने का काम करेंगे। बता दें कि लोनी नगर पालिका में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पुष्पा देवी को और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने रंजीता धामा को और बसपा पार्टी ने महरीन अली को, चारों ही प्रत्याशी इस चुनाव दौड़ में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। पीसी का मेन कारण ये है कि लोनी नगर पालिका का चुनाव प्रचार कल शायद पूरा होने जा रहा है 5 बजे। हर प्रत्याशी अपनी अपनी दौड़ में है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से गठबंधन वाले, बीजेपी वाले, बसपा भारतीय जनता पार्टी से औरैया नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। वहीं इस दौरान मीडिया ने राजकुमार दुबे से पूछा कि लोग आपको बाहर करते हैं, तो इस पर उन्होंने बताया कि पूर्व में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, वर्तमान में मेरी पत्नी जिला अध्यक्ष सदस्य हैं और मैं औरैया जिले का रहने वाला हूं। जो लोग 15 साल से बराबर राज कर रहे हैं उस राजनीति का अंत होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मंजिल की ओर बढ़ रही है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आप बाहरी हैं, तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? मैंने जैसा कि अभी बताया, मैं औरैया सदर का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, वर्तमान में औरैया जिला पंचायत का सदस्य, औरैया जिला, औरैया नगर औरैया जिले के विभिन्न गाँवों से निर्मित है। औरैया नगर में सभी लोग प्यार, अमन और चैन से रहते हैं। जिस तरह की यह 15 साल से राजनीति की जा रही थी कि हमें सारी सीटों पर लड़ना है और सिर्फ हम दोनों को ही लड़ना है, उस राजनीति का अंत होना चाहिए। स्वस्थ राजनीति का विकास औरैया में आवश्यक है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मत के साथ 11 तारीख को मतदान करेगा और नगर के लोगों को ये मैसेज देने का काम करेगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से और नगर पालिका में आने वाली है और राजकुमार दुबे अध्यक्ष पद पर बैठने वाली है। ये औरैया के नौजवान आपको एहसास कराने का काम करेगा। मतदान का अंतिम दिन, अंतिम समय रह चुका है, ऐसे में आप अपने आप को अब कहाँ पर देखते हैं कि क्या कितना समर्थन लोगों को मिल रहा है? हम अपने आप को पहले स्थान पर देखते थे, देखते हैं और आगे भी देखेंगे, ये पूरा विश्वास के साथ मैं आपसे कह देना चाहता हूं। औरैया नगर कितनी जीत को आप 100% जीत का दावा मैं कर रहा हूँ। देवरिया जनपद के पथरदेवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य और अन्य पर हुए फर्जी मुकदमे पर सभी जिला पंचायत सदस्यों में आक्रोश देखने को मिला है। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि हमारा फर्जी अंगूठा लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, हमें मुकदमे के बारे में नहीं है, जानकारी फर्जीवाड़ा कर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं सभी जिला पंचायत सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहाँ पुलिस अधीक्षक ने जाँच कर निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। नहीं साहब, हम जो मतदान को कहा तो नहीं हम जो अनी दूर से पुलिस के लाठी थी हो गई, लोग समझा के मारे पीछे लगल, तो हम जो यू ने किए पीछे मुड़ के देख ले कि हम जो मारा था, तो हम जो भागत रहनिया गिरियो गनिया बहुत पिटाई करनी, हम ये नहीं किया देख ले कि अभी व्यक्ति हम जाकर मरले बैठे। अच्छा, हम जाकर बस गई ना भाई, हमारा बताओ ना कि गई नहीं आओ, हम जो निशान ले ना, बाकी हम जो कुछ नहीं निशान। संजय बाबू कहना कि निशान है, जो कह दलो बाबू निशान कह दलो, वे पढ़ल लिखल इंसान। संजय सिंह प्रधान हमारे गांव का। हाँ, आप किस गांव के, किस गांव के रहने वाले हैं? कुचिया का। हाँ, ये घटना कब की है? वो मतदान के दिन का। ए साहब, हम जब ओर देख आओ तो हम जब केको देखेंगे ना, पुलिस मरल हम जब भागनी जा, हम जब भागनी जा अपना अपन जान बचा के, हम जब केहू के नहीं जान, नौ जाना में एको जाना के नहीं जानो। भोला तिवारी और ये वेद तिवारी पे आपने जिला पंचायत और अध्यक्ष पद प्रत्याशी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हमें मारा पीटा? नहीं साहब, भोला बाबा, वेद बाबा, कौनो बाबा ना वो जा रहा लो।
हम जब पुलिस मरल तो हम जब भाग गए नहीं जा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बरिस्टर है। कहाँ कराने वाले? कुचिया के। तो आपने आरोप लगाया है, थाने में कर दिया है, मुकदमा दर्ज हुआ, आपको मालूम है? ए साहब, हम जब बोला ना संजय प्रधान, हम जब गई नहीं जा, हम जब पढ़ले लिखले नहीं जा, लेना कागज पत्र नहीं पर दस्तखत बना दो। वार्ड संख्या 2 से जिला पंचायत सदस्य हैं वेद प्रकाश तिवारी जी, और उनके भाई हृदय प्रकाश भोला जी के खिलाफ उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा किसी व्यक्ति को फर्जी हस्ताक्षर करा के और उनके खिलाफ 307 से लेकर हरिजन उत्पीड़न सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा कर दिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। आज हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्य आज एकमत होके पुलिस अधीक्षक देवरिया से मिले हैं और उनसे ये कहे हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसाइटी में लिफ्ट में 12 साल की बच्ची को चाकू दिखाकर डराने का सीसीटीवी फुटेज कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने लिफ्ट में 12 साल की बच्ची को चाकू दिखाकर डराया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता ने विरोध किया तो बदमाश ने खुद को होम मिलिट्री में होने की बात कहकर धमकाया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों का शांति भंग की धारा में चालान किया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।